और हमारा भाई बहुत मजेदार अति बेगम साहबा और उनके फर्जन और उनकी बहन मंच पर दर्श पर बैठे हुए उतरोड़ा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मौसी साहबी ने कराम बुजुर्गान मिल्लत नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह सुभाना व तआला आपके दिलों में मजीद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को पैदा करे। आमीन। और अल्लाह सुभाना व तआला आपके इस मोहब्बत और वाबस्तगी की बुनियाद पर सुल्तानपुर में इंशाअल्लाह तआला हम एक नई सियासी तारीख रकम करेंगे और यहां से इंशाअल्लाह तआला आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर अपने इत्तेहाद अपनी दुआओं और अपने इत्तेफाक की बुनियाद पर यहां पर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को अपना विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भिजाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे इज्जतदार माओ बहनों, मेरे मजलिसी रुका, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम उसका मकसद यही है कि भारत की जमहूरियत को मजबूत किया जाए, आवाम के दिलों में भारत के संविधान के यकीन को और भरोसे को और मजीद किया जाए। और ये उस वक्त मुमकिन हो सकता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब भारत की अकलियत को सही मानों में उनको सियासी ताकत और कुव्वत मिलेगी। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, आपको बताने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कभी भी सत्ता में जाकर संतरी या मंत्री बनने का शौक न कभी रहा न कभी रहेगा। हमारा मकसद यही रहा कि मजलूम आवाम के वोट को हासिल करके जब हमारे नुमाइंदे कामयाब होकर विधानसभा या ऐवान असेंबली या फिर सांसद पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनको जरूरी है कि गरीब आवाम की तकालीफ को, उनके मसायब को, उनके मुश्किलात को, उनके हक को हासिल करने के लिए, उनकी हकूक को, उनकी जुल्म की दास्तान को, उनके इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाए। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद और मिशन रहा और इसी मकसद और मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश हमारे मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है और इतनी बड़ी रियासत में 19% यहां पर मुस्लिम अकलियतों का आबादी में हिस्सा। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर संजीदगी से मेरी इस बात पर गौर करिए कि इतने बड़े प्रदेश में जहां पर हर बिरादरी का, हर कास्ट का एक उनकी एक सियासी आवाज है, उनका सियासी नुमाइंदा है। असेंबली भाई, आप खुद बताइए उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अकलियत रहती है, क्या आपने अपना कोई नेता बनाया? क्या आपने किसी पार्टी को अपना एक मरकज सियासी आपने तश्कील दिया? जहां तक मेरा हाफिजा मुझे कहता है कि बरसों पहले, बल्कि आज से 55-60 साल पहले डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब रहमतुल्लाह ने जो मुस्लिम मजलिस बनाई थी, जो उम्मीद का एक चिराग बनकर उभरा था, उसके बाद से आज तक मुस्लिम अकलियत की कोई सियादत नहीं बनी, ना कोई आपकी सपों से आपका कोई नेता बना। मजलिस यही चाहती है कि आपके दरमियान में किसी को एक नेता बनाया जाए, आपकी एक सियासी लीडरशिप को, खयादत को मजबूत किया जाए, जो इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से आजाद हो। और यही वजह अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
कि भारत की जमहूरियत की तलहकीकत मेरी बात को आप जान लो, भारत की जमहूरियत की तलहकीकत यह है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उसी की आवाज को, उसकी तकलीफ को, उसकी मुश्किल को सुना जाएगा। जिस समाज का नेता होगा उस समाज के नौजवानों के जज्बात, उनके ख्वाबों को पूरा किया जाएगा। जिस समाज का नेता होगा वो अपनी माँ और बहनों की इज्जत का तहफ्फुज़ भी करेगा और उनको आगे तरक्की भी कराएगा। ये भारत की जमहूरियत की तलहकीकत है। अगर किसी समाज का कोई नेता नहीं है, कोई सियासी ताकत नहीं है, तो हकीकत यह है कि उस समाज का नाम मुसलमान है, जिसके पास ना उनका कोई नेता है ना उनके पास अपनी कोई सियासी क़यादत है। मजलिस यही बात का पैगाम आपको देने आई है। आप पूछेंगे कसदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी बात में सच्चाई क्या है बताओ। मैं दो मिसाल आपको दूंगा। हालिया एक महीना पहले भारत के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में तब्दीली लाई और उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल को मिनिस्टर बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मोदी जानते थे कि बगैर कुर्मियों के उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको फायदा नहीं हो सकता। वहीं पर आगरा के रुकने पार्लियामान सांसद बागेल साहब को मंत्री बनाया, क्योंकि मोदी जानते थे कि बगैर बागेल समाज के वो उनके असेंबली में इलेक्शन में फायदा नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मामला यह है कि हमको डराया गया, खौफ दिलाया गया कि आप सिर्फ वोट डालने का काम करिए मगर नेता मत बनिए। मजलिस आपको बताने आई है कि आपने वोट डाला मगर आपको नेता बनने नहीं दिया गया। अगर मैं चार मीनार की गलियों से सुल्तानपुर को आया हूं तो मेरा रब जानता है कि मैं अपनी मकबूलियत या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मैं अगर आया हूं तो सुल्तानपुर से मुझसे बेहतर मजलिस का कायद बनाना चाहता हूं, एक नेता बनाना चाहता हूं जो तुम्हारे जज्बात की तर्जुमानी कर सके। इस अजीम मकसद के लिए मैं आया हूं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हालात और वक्त का तकाजा यह है कि आपको एक होना पड़ेगा, इससे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मिलेंगे, याद रखो मेरी इस बात को कि इत्तेहाद जिंदगी है, इंतजार मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है और इंतजार मौत है। ये सुल्तानपुर की तारीखी सरजमीन है, ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है। यहां पर हुजूर हजरत अलाउद्दीन बल्खी, हजरत महमूद बल्खी, पाकोशी और निशुल तारीखी सरजमीन। ये सुल्तानपुर की वो तारीखी सरजमीन जहां पर 57 की जंगी आजादी के लिए यहां के उस वक्त के जिम्मेदारों ने कसम खाई थी कि वतन अजीज से अंग्रेजों को फाड़ कर फेंकेंगे। ये सुल्तानपुर की अजीम सरजमीन जहां पर शीतल मल्ला ने आजादी की लड़ाई में अपनी जान और अपनी चीज को कुर्बान किया। आज बताओ आप कहां है आपके नेता? दिल्ली में कोई हीरो बन जाता है या कोई छोटा मोटा काम कर लेता है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आपको नेता बनना है। आप बरसों से वोट डालते गए, कभी आपने कांग्रेस को वोट किया तो कभी आपने बीएसपी को वोट किया तो कभी आपने समाजवादी को वोट किया। मैं आपको ये बताने आया हूं कि क्या कभी आपने अपने आप को वोट किया? क्या तुमने कभी अपने आप को कामयाब करने के लिए वोट किया? तुमने हजारों को कामयाब किया? तुमने अपनों से दामन को छुड़ा दिया? आज ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आया है। मैं तुम्हारा भाई भी हूं, तुम्हारा बेटा भी हूं, मैं तुम्हारा चाहने वाला भी हूं और मैं एक इंसान हूं। यकीन मुझमें कई कमजोरियां होंगी मगर मेरा दिल धड़कता है तो मुजलिमों के लिए मुझे गुस्सा आता है। जुल्म को देखकर मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मजलिस के मुखालिफीन कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जबान कड़वी है। अरे जबान कड़वी अगर है
तो इसका जिम्मेदार तुम्हारी नाइंसाफी है। तुमने सात साल से हमारा वोट लिया, बल्कि तुमने वोट नहीं लिया, हमारा खून चूस लिया। तुमने हमारा वोट लिया मगर हमारे नौजवान नस्लों को बर्बाद कर दिया। तुमने हमसे वोट तो ले लिया मगर गरीबी हमारा मुकद्दर बना कर रख दिया। तुमने हमारा वोट तो लिया, हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल से महरूम कर दिया। तुमने वोट तो लिया और हमारे नौजवानों को जेल में डाल कर सलाह दिया गया। बताओ ये जब आवाज उठती है, ये जब सवाल उठते हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो या बीजेपी हो, कहते हैं कि देखो ये किस जबान में बात कर रहा है। अरे मैं संविधान की जबान में बात कर रहा हूँ। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर कमजोर तबका को, वंचित समाज को कहा कि हमने संविधान बना दिया, अब हम तुमको हथियार देकर जा रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा कि हम तुमको हथियार देकर जा रहे हैं। वो क्या हथियार था? वो हथियार था आपका वोट। मगर सालिमों ने हथियार को हथियार नहीं बनने दिया, बल्कि आपको कहा कि अगर तुम इस हथियार को इस्तेमाल करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। मैं आपको यही याद दिलाने आया हूं, ये वोट आपका हथियार है, जमहूरियत में वोट आपका हथियार है। जिसको चाहे आप जमीन पर सुला सकते हैं, जिसको चाहे आप कुर्सी पर बिठा सकते हैं, मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला आपको मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना है। लोग हमारे मजलिस के मुखालिफीन कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, तो आप क्यों नहीं करते? कौन होता आपको जज्बात में? कौन आता है मालूम आपको? जज्बात में वो आता है जो जुल्म को देखता है, जज्बात में वो आता है जो नाइंसाफी को देखता है, जज्बात में वो आता है जिसके दिल में एक तड़प होती है कि मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, जज्बात में वो आता है जिसमें तड़प होती है कि मुझे अपना मुकाम मिलना चाहिए, जज्बात में वो आता है जो किसी को देखता है कि नहीं मुझे भी आसमानों को छूना हो, मैं जमीन पर नहीं रहना चाहता हूं। जो लोग जज्बात में नहीं आते वो मुर्दार के मुर्दा कहने के लायक है। जज्बात को जमहूरियत में संविधान की चार दीवारी में रहकर हमको अपने ख्वाबों को पूरा करना, और वो हाथ क्या है? समंदर की तह में जाकर हाथ को तलाश करना नहीं है, वो हाथ आसमानों पर या चांद पर जाकर मछली लाना नहीं है। मेरा हाथ और आपका हाथ सिर्फ यही है कि मुत्तहिद हो जाए और अपनी जमात को मजबूत करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सब हम पर तनकीद करते हैं, अनाप शनाप भरते रहते हैं। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, मुझ मेरे बारे में बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उनको कोई नजर आ रहा है जो गरीब मजलूम आवाम की आवाज बनकर उनके इंसाफ का मुतालबा कर रहा है, तो उनको मैं ही नजर आ रहा हूं। इसीलिए मजलिस पर तनकीद करते हैं, निशाना बनाते हैं, मगर हम ये पूछना चाहते हैं, सवाल मेरी जातियत का नहीं है। बताओ उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? सुनो पढ़ो कभी। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियां सिर्फ 3% मुसलमान हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं, सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं, और 5 साल और 15 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूल के बाहर है किसी समाज के तो मुसलमानों के 60%। क्या तुमने सुना कभी अखिलेश की जबान से? क्या तुमने सुना कभी बीएसपी के किसी नेता की जबान से? बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? ये ना इंसाफी देखकर खून खौलता है,
कि जब सबके बच्चे पढ़ सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता, मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती, मेरे भाई का बच्चा ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर सकता। ये इसलिए नहीं करना चाहते, ये कभी आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहते, ये सिर्फ आपको डराएंगे 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 खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मजलिस को वोट दिए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो फुला जीत जाएगा। अरे पूरे भारत में बीजेपी दो मरतबा उनका प्रधानमंत्री बन गया तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाहली की वजह से बना, मैं जिम्मेदार हूं उसका। हर वक्त कहेंगे नहीं असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट काट देगा मुसलमानों के, कहते हैं ना, कहते हैं ना कि ओवैसी लड़ेगा तो वोट काट देगा। अब मेरा सवाल, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, अखिलेश यादव को आपने झोली भर भर के वोट दिया, दिया ना, इसी विधानसभा से दिया ना, तो सूर्या कैसे जीता? सूर्या कैसे जीता? तुम्हारी ओर से जीता या अखिलेश के लोगों ने वोट नहीं दिया? बताओ सवाल का जवाब दो। तुमने सूर्या को वोट दिया या अनूप को वोट दिया? शर्माओ मत, बताओ। कितनों ने सपा को वोट दिया? हाथ उठाओ। शर्माओ ने, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो। अब आप ये अपने दिल से पूछो कैसे सूर्या जीत गया? मैं तो नहीं था ना, हम थे क्या? ये दाढ़ी वाला टोपी वाला तो नहीं था ना, तो फिर कैसे सूर्या जीत गया? कैसे जीता? ये जीता इसलिए क्योंकि अखिलेश भैया के लोग उसको अपना नेता बांध लिए, उसको वोट दे दिए। और आपको बोला नहीं नहीं डालेंगे तो वो जीत जाएंगे, डराया डराया। अब आपको फैसला करना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए, क्या बहन जी और अखिलेश मिलकर नहीं लड़े? लड़े ना, लड़े ना। कौन जीता यहां से? ये पार्लियामेंट का चुनाव कौन जीते? पार्लियामेंट का चुनाव कौन जीता? बीजेपी के जीते ना। आपने वोट दिया बीजेपी को? दिया आपने वोट बीजेपी को? देंगे बीजेपी को? जीता कैसा बीजेपी? कैसा जीता बीजेपी? कौन वोट दिया बीजेपी को? ये बात हम जब बोलते हैं तो समाजवादी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस सबकी रातों की नींद हराम हो जाती है। क्या हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक कैंडिडेट खड़ा किया मजलिस में? खड़ा किया, फिर कैसा जीत गया? कौन जीते? बीजेपी जीत गई, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी जीत गई। और ये आके बोलते हो ओवैसी लड़ेगा, वोट काटने के लिए लड़ा। अच्छा, हम एक और सवाल का जवाब, जरा दूर से वहां से आवाज नहीं आ रही, अब इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे। क्या तुमने कभी सुना कि हमारे हिंदू भाइयों ने अगर बीजेपी को वोट दिया तो क्या अखिलेश ने कहा कि हिंदू वोट डिवाइड हो गया इसलिए मैं हार गया? तुमने सुना कभी? क्या तुमने कभी सुना कि बहुजन समाज के नेता ने कहा कि हमको हमारा दलित समाज ने वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत गई? आपने सुना? इनकी क्या बदाल कि मुझे कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी? क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम बहादुर हो? क्या तुम मर्द मुजाहिद हो? क्या तुम मोमिन हो? क्या तुम रसूलल्लाह के गुलामों के गुलाम हो? आपकी बार इन तंजीरों को तोड़ दो मेरे भाई।
फीसद पूरे मुल्क में, 19 में 6%। मगर हम नहीं कह रहे हैं तुमको वो कैसा जीत रहा है, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे जाने के बाद ये समाजवादी के, बीएसपी के, कांग्रेस के सब लोग जो बड़े पहलवान आएंगे उसकी बात का यकीन नहीं करना, जो टोपी और दाढ़ी लंबा है उसकी बात का यकीन नहीं करना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनसे सवाल करना, ये सवाल करना, बोलो अगर अखिलेश यादव यादवों का वोट बीजेपी को पड़ गया तो अखिलेश ने नहीं कहा कि यादव समाज ने मुझे वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत गई, मगर अखिलेश यादव और बीएसपी कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, मुसलमान अगर ओवैसी की बात में आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। अरे तुम यादवों को नहीं कहते, तुम हमारे हिंदू भाइयों को नहीं कहते और मुझसे कहते हो, क्या समझ कर तुम कहते हो मैं कि मुसलमान तुम्हारा कैदी है, क्या मुसलमान तुमसे डरता है नहीं, कि हमारी जिंदगी हमारी रिस्क तुमसे नहीं, हमारा रिस्क अल्लाह देने वाला है, हमारी जिंदगी की गारंटी संविधान देता है जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, संविधान देता है आपको अपनी जिंदगी की गारंटी, एक इंसान की राइट टू लाइफ भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। मगर ये आएंगे नहीं नहीं, और इसी की वजह से बीजेपी जीतती है। एक और हकीकत बता रहा हूं, पूरे पार्लियामेंट के चुनाव में हमने सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट लड़ी, कौन सी, हैदराबाद बोलो, औरंगाबाद और किशनगंज, इन 3 में 2 में हमको कामयाबी मिली। हैदराबाद के आवाम का लाखों लाखों सलाम, हमने बीजेपी को हराया, मोदी भी आए थे मेरे लिए, मुझे हराने के लिए मोदी भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, मगर दाल नहीं गली। औरंगाबाद, महाराष्ट्र, ये भी सुनो, याद रखो, ये जब आएंगे मेरे जाने के बाद, मेरे नौजवानों रिकॉर्ड करना इसको, व्हाट्सएप पे डालोगे ना, फसाद बुक पे डालोगे, फेसबुक नहीं है फसाद बुक है, ट्विटर पे डालोगे, इंस्टाग्राम पे, सब पे डालना है बात, ओवैसी के सवाल आप, औरंगाबाद में 21 साल का शिवसेना का एमपी था, 21 साल का, किसने हराया उसको, कांग्रेस ने हराया नहीं, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने उसको हराया और इम्तियाज जलील को वहां पर उन्होंने पार्लियामान बनाया। अब बचा तीसरा किशनगंज, वहां पर मजलिस को 3 लाख वोट मिले, अख्तर उल ईमान हमारे बिहार के प्रदेश के सदर है, 3,25,000 नीतीश कुमार की पार्टी को मिले और 3,50,000 कांग्रेस को मिले, बीजेपी नहीं जीती वहां पे। अब आप बताइए कि जहां मैं लड़ता हूं वहां बीजेपी नहीं जीतती, मगर ये लोग तुमको डरा रहे हैं ओवैसी आएगा तो ऐसा होगा। मैं ये तमाम सेकुलर पार्टी से कहना चाह रहा हूं, बचपन में बच्चों को सुनाया जाता था, हमने किताबों में पढ़ा कि सोचो बेटा वरना शेर आएगा, और हम तो बच्चे डरते थे, अम्मा अपने पलों में लग जाती थी, बेटा सो जा सो जा। अब उल्टा आ चुका है, माए कह रहे हैं कि बेटा आराम से सो जा, मजलिस आ गई, मजलिस आ गई। ये फर्क, ये तब्दीली हम ला चुके हैं, इसीलिए इनको डर होने लगा है, इसीलिए इनको लग रहा है कि आप वो जो मुसलमानों का वोट, जो उनका कैदी था, जो उनका आउट बैंक था, जिनका रिजर्व बैंक था, उनको नजर आ रहा है कि असलुद्दीन ओवैसी की पार्टी उस वोट बैंक को वोट बैंक नहीं बल्कि ताकत के तौर पर मुसलमानों के हक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये बात आपको समझता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप आ जाइए बाबा के बारे में सुनिए,
मुख्यमंत्री है मगर मैं उनको बाबा कहता हूं, लोग महाराज भी कहते हैं। अब इनके लोग ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मोदी जी बोलते ना। अच्छा आप मेरे को बताइए कि भारत सरकार ने अकलियतों के लिए जिसमें मुसलमान ईसाई सिख जैन और बौद्ध मजहब के लोग हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश में 116 करोड़ रुपए दिए। कितने दिए? बाबा की हुकूमत ने कितना खर्चा किया अकलियतों पर मालूम आपको? कुछ नहीं। सिर्फ 10 करोड़ रुपए, सिर्फ 10 करोड़ रुपए। अच्छा आप सुनेंगे इनके एक मंत्री हैं बार बार बोलते कि क्या बोलते हैं इनके मंत्री के हमने इनके मंत्री कहते हैं कि हमने मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने घर दिया है। मैंने पार्लियामेंट में सवाल किया, अखिलेश भैया तो सवाल नहीं करते उनको मालूम कि लोग कहां जाएंगे हमको छोड़कर, हिम्मत है नहीं है, वो तो हमको भैंस समझते कि दूध निथार 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 के हमको खुद ही पी लिए। हमने सवाल किया था कि बताओ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितने घर मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में मिले, तो कहा गया 2017-18 में मोदी की सरकार ने 7,65,000 घर दिए। कितने दिए? 7,65,000 घर दिए। और आपको मालूम मुसलमानों को कितने मिले? कुछ नहीं मिले, 10। 7,65,000 में 10 घर मुसलमानों को मिले। और बाबा और मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। यानी बताइए आप कितना नाइंसाफ और झूठ हमसे। और फिर एक और जगह पर एक बीजेपी के लोगों ने कह दिया कि हम मुसलमानों के लिए इतना कर रहे हैं, ओएसी तो सिर्फ भड़काओ भाषण देती है। हम या बीजेपी की सरकार को पूछना चाह रहे हैं, जरा ये तो बता दीजिए कि सुल्तानपुर में कितने सीनियर सेकेंडरी के स्कूल हैं? सुल्तानपुर में एक भी सीनियर सेकेंडरी का स्कूल नहीं है, पूरे एक ब्लॉक में एक ही स्कूल है, पहली से 10वीं जमात यानी क्लास 1 से क्लास 10 तक, वो भी गैर मदरसा। अब आपने टीवी पर देखा होगा कि माशाल्लाह हमारे टीवी के लोग भी मोदी जी के बहुत करीबी दोस्त हैं। यहाँ पर है वो हमारे दोस्त है, नौकरी करते हैं, ये इनके जो मालिक है वो बहुत करीबी दोस्त है। उनका ऐसा रिश्ता है मोदी जी से कि वो अपने बाप को गाली सुनना पसंद करेंगे पर मोदी जी के बारे में तनकीद सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो क्या चल रहा है टीवी पे कि मुसलमानों ने कह दिया कि बच्चे और बच्चियां साथ मिलकर नहीं पढ़ना चाहिए। देखो अगर टीवी पर आप हमारे पास भी मीडिया के लोग आए, मैंने कहा देखो मुझे बुलाओगे तो भारी पड़ जाएगा। बोले कैसे पड़ेगा? हम बोलेंगे तुमने बच्चियों के लिए कितना स्कूल खोला बताओ पहले। मैं बात चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी से उत्तर प्रदेश की सरकार को, बताओ तुमने 4.5 साल के अपने इख्तदार में मुसलमान बच्चियों के लिए कितने स्कूल खोले? तो जवाब आएगा ओवैसी हिंदू मुस्लिम की बात करता है, हमने सबके लिए खोल दिया। अगर सबके लिए खोला तो फिर तालीम से दूर मुसलमान है, तालीम से दूर मुसलमान महिला है, बच्चियां है, आप उनके लिए नहीं खोलेंगे? और आप बोलेंगे नहीं ये साथ मिलके पढ़ना नहीं चाहते। अरे आप स्कूल खोलना नहीं चाहते, आप पढ़ाना नहीं चाहते, ये हाल इनका। अगर आप जाकर बाबा से बोलेंगे बाबा स्कूल नहीं है, तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दो।
बाबा से बोलेंगे स्कूल नहीं है मुसलमान बच्चों के, नाम बदल दे। आप बोलेंगे अरे नहीं स्कूल नहीं है तो बोलेगा ठोक दूंगा। आप बताइए एक मुख्यमंत्री इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है क्या? अच्छा आप देखिए आपके सुल्तानपुर में अस्पताल कितने हैं? सुल्तानपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और वाराणसी के 4। ये क्यों ना इंसाफी है सुल्तानपुर की जनता? और फिर सुल्तानपुर नगर में 19 पब्लिक हेल्थ सेंटर है, सुल्तानपुर में खाली 40। बाबा क्या करेंगे आप? तो बोलेंगे वैसी ठोक दूंगा। हम अपना हक पूछ रहे हैं, बताइए आप ये क्या हो रहा है? जब ये मसाइल हम उठाते हैं तो इनको लगता है कि नहीं ये ऐसा हो रहा है, ये जज्बात में ला रहा है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, ये मुसलमानों के ओर काट रहा है। अरे वो जो उत्तर प्रदेश में हमारा हिंदू भाई मोदी को ओट किया, तुम्हारी जबान में मुंह, तुम्हारे मुंह में जबान है ना, बोलो उनके बारे में। यादवों ने ओट नहीं दिया मोदी को? दिया नहीं दिया? दिया है। इसीलिए सूर्या जी का नाम। क्या हमारे दलित भाइयों ने नहीं दिया? दिया। क्या ठाकुरों ने नहीं दिया? दिया। क्या ब्राह्मण समाज के लोगों ने नहीं दिया? सब कहते हैं मगर कोई ये नहीं कहता कि हिंदू वोट हमको क्यों नहीं मिला। मगर सबकी जबान पे क्या होता है, मुसलमान वोट क्यों जा रहा? ये आपको फैसला करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और आज आप देखते हैं कि हमारे मुल्क में महिलाओं की फिक्र किसको, हमारे मुल्क में मालूम आपको किसकी, कौन से महिलाओं की फिक्र है? हर टीवी पर अफगानिस्तान में महिला पैसा हो रहा, अफगानिस्तान में ऐसा। अरे कानपुर में जो हुआ उसके बारे में नहीं बोलोगे? लखनऊ से करीब कानपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीब कानपुर, एक मुसलमान है उसको मारा और पीटा जा रहा है। दुनिया में तुमको लेकर जाना चाहता हूं, फर्ज करो कि तुम हो और कानपुर में इस मजमे के तमाम में से कोई एक लोग हो, एक शख्स हो, उसके साथ अपनी बेटी हो 11 साल की और मौत तुमको घेर कर मार रहा है, पीट रहा है, कह रहा है कि ये नारा लगाओ, कि उसके सामने उसकी बाप की बेइज्जती की गई, किसने आवाज उठाई बोलो? कोई आवाज नहीं उठाया। मुझे बयान देना पड़ा टीवी पर जाकर, तो तब जाकर हरकत किया। इन बस बच्ची के बारे में कौन बात करेगा? कौन बात करेगा उस बच्ची के बारे में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क की आजादी में जैसा मैंने कहा कि 57 की जंग आजादी में हमने हिस्सा लिया, हमारे उलमाओं ने जिहाद का फतवा किया, अल्लामा फजल कैराबादी की कुर्बानी को कोई सुबह कयामत तक नहीं बुला पाएगा इंशाअल्लाह। वहीं पर चौरी चौरा का वाकया हुआ, एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ। आपको मालूम है चौरी चौरा जिसका वाकया हुआ, जिसको हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री ये बोलना भूल गए कि चौरी चौरा का वाकया अगर किसी ने शुरू किया तो उसका नाम अब्दुल्ला जुड़ीहार था, उसका नाम अब्दुल्ला जुड़ीहार था, वो मनिहार सरादरी का था और वही लोगों ने उनको सजा हुई थी, जिंदगी बर्बाद हो गई, मगर मुल्क के लिए कुर्बान किया। वही मनिहार बरादरी का तस्लीम नामी शख्स मध्य प्रदेश इंदौर में चूड़ियां बेचने जाता है तो उससे कहा जाता है तेरा आधार कार्ड क्या है, तेरा नाम क्या है, उसके चूड़ियों को लूट लिया जाता, उसके पैसों को छीन लिया जाता। बताओ मोदी जी कि यही चोरी चोरा के मुजाहिदीन को खराज अकीदत आप पेश कर रहे हैं कि अब्दुल्ला जुड़ीहार का जानशीन उसकी नस्ल का तस्लीम पर भारा गया? बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बड़े बड़े जुल्म के वाकयात हमारे मुल्क में हो रहे हैं जिसको देख कर आंख में आंसू नहीं आएंगे तो याद रखो तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। कभी एक फकीर है तो उसको मारा जाता है कि तूने क्यों भीख मांगी,
खुर्शीद का वाकया यहां पर हुआ नहीं हुआ, खुर्शीद अहमद का वाकया सुल्तानपुर में हुआ, और सबसे पहले वहां पर हमारे अकरम बेग साहब और सरफराज साहब पहुंचे। ये जुल्म की वाकयात हमारे पर इस प्रदेश में और पूरे मुल्क में हो रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो, भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने मजहब पर चले, आपको मजहबी आजादी दे दी गई है, आप अपने मस्जिदों को आबाद रखें। भारत के संविधान में आपकी जिंदगी, हर भारत के शहरी की जिंदगी एक बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात मेरी याद रखो कि जो जुल्म करता है ना, वो जालिम खत्म हो जाता है। भाई साहब काटाओ, फिरौन था ना फिरौन, फिरौन मालूम कौन था आपको? फिरौन एक बादशाह था, जुल्म करता था और अपने आप को खुदा कहता था। तो अल्लाह ने हजरत मूसा को उसकी तरफ भेजा और उसके दरबार में, फिरौन के दरबार में गरीब लड़की थी, बहुत गरीब थी, झोपड़ी में रहती थी। उसका काम यह था कि फिरौन के बेटी के बालों को कंघी किया जाए। और एक दिन जब वो फिरौन के महल में बादशाह की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी, जब कंघी नीचे गिर गई, उसने झुककर उठाया और कहा कि मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का रब है, कि रब मूसा और हारून, मेरा रब वो है जो अल्लाह है, उसने कहा। तो बादशाह की बेटी ने कहा कि तू मेरे बाप को खुदा नहीं मानती? तो उसने कहा, नहीं, मैं उसको खुदा मानती हूं जो तेरे बाप का और तेरा और मेरा, वो अल्लाह है, मैं उसको अपना रब मानती। उसने जाकर अपने बाप से कहा कि एक कनीस है काम करने वाली जो मेरे बालों में कंघा करती, वो तुझको खुदा नहीं मानती। फिरौन ने उसको अपने दरबार में बुलाया। उसके दो बच्चे थे, एक शीरखार बच्चा था और एक 10-11 साल का बच्चा था। दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में आया कि फिरौन ने कहा कि क्या तू मुझे खुदा नहीं मानती? तो उसने कहा, नहीं, मैं उसको मानती हूं जो तेरा भी रब है और मेरा भी रब है, वो अल्लाह है। उसने कहा, देख, मैं एक बार तांबे का बर्तन लाया, उसमें तेल डाला, उसको खूब जलाया और कहा कि अगर नहीं मानेगी मुझे अल्लाह तो तेरे बेटे को उसमें डाल दूंगा, तेरे 10 साल के बेटे को। उसने कहा कि मैं तब भी तुझे अपना रब नहीं मानूंगी, मेरा रब वो है जो तुझे और मुझे और सारी कायनात को बनाया जाता। उस सालिम फिरौन ने उस बच्चे को उसकी मां के हाथ से छीन कर तेल में डाल दिया। वो बच्चा फौत हो गया। फिर पूछा, बोल अब क्या बोलेगी? तो उसने जब देखा कि बच्चे की हड्डियां सामने आ गई, उसकी आंख से आंसू निकलना शुरू हो गए, तो बादशाह फिरौन ने कहा, अब तू डर गई, अब मान ले मुझे खुदा, तेरे आंख में आंसू आ गए। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे आंख में आंसू मेरे बच्चे की मौत की वजह से नहीं, या तेरी खौफ की वजह से नहीं, मेरे आंख में आंसू से इसलिए आए कि अल्लाह मुझे एक ही जान दिया अपने दीन पर कुर्बान करने के। फिर ताज्जुब किया और फिर कहा कि तेरे शीरखार बच्चे को ले लूंगा। उसके सीने से छीन लिया गया। तो जब बच्चे को, जो 7-6 महीने का बच्चा था, जब उसको तेल में डाला जा रहा था, तो अल्लाह ने उस बच्चे को ताकत दी बोलने की। उसने कहा, मां तू कह दे कि तेरा मेरा सब करा अल्लाह है, तू इस तेल की तरफ मत देख, कह दे कि मेरा रब अल्लाह है। उस बच्चे को डाल दिया गया। तो याद रखो, अल्लाह रब कायनात है, अल्लाह रज़्ज़ाक है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। और अल्लाह के दरबार में कभी भी
जालिमों से अल्लाह इंसाफ करता है और जुल्म का खात्मा होगा इंशाअल्लाह होता है। और याद रखो वो सहाबी रसूल का वाकया याद आ रहा है, जब रोमियों से जंग हुई हजरत अब्दुल्लाह उदय फैसानी थे जिनको रोम के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे कहा कि तुम इस्लाम को छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा मेरी बेटी से शादी कर ले। उन्होंने कहा मेरा शादी करने का इरादा नहीं है। उसने जेल में डाल दिया। एक बदकिरदार किस्म की एक महिला को उसके पीछे लगा दिया। वो जेल में भागते थे, उससे कहते थे कि मुझे हाथ मत लगा, तू गैर महरम है। फिर बादशाह ने बुलाया उनको और कहा कि चलो मैं तुमको एक और ऑफर देता हूं, तुम मेरी अंगूठी को चूम लो। उस अंगूठी पर कुछ और निशान था। उन्होंने कहा ये भी नहीं कर सकता, ये वोट जो अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में सलात और सलाम करते, इन होठों को मैं वहां नहीं चूम सकता। बादशाह ने कहा मेरे माथे को चूम ले, मैं 100 सहाबियों को आजाद कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं करूंगा। फिर कहा कि 300 रिहा करूंगा। तो उन्होंने कहा तुम पूरों को रिहा करो, तेरे माथे को चूमूंगा। उन्होंने माथे को चूमा और जब वापिस गए तो खलीफा हजरत उमर ने आगे बढ़कर हजरत अब्दुल्लाह उलेफा की पेशानी को चूमा। और कि वो जो फिरौन के दरबार का वाकया है, जब शबे मेराज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पर जा रहे थे तो एक पहाड़ी में आखाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी खुशबू आई, तो जिब्रील से पूछा ये कौन है? तो कहा ये वो लड़की है जिसने फिरौन के दरबार में अपने औलाद को कुर्बान कर दिया और कहा कि तू मेरा खुदा नहीं है, अल्लाह मेरा रब। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बरकरार रखो। इन जलसों को मुनाकद करने का या आपके दरमियान में आने का अहम पैगाम यह है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे लिए काफी। हसबुनल्लाह व निमल वकील व निमल मौला व निमल नसीर। मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी आरएसएस है, ये बेचारे हिस्ट्री नहीं मालूम, इनको हिस्ट्री नहीं आती। अभी कल आरएसएस के मोहन भगवत ने कहा क्या कहा कि इस्लाम भारत में इन्वेजन से आए। हमको कल मीडिया वाले लखनऊ में पूछे, हमने यही कहा कि मोहन भगवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते, मोहन भगवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते। हमने उनसे कहा कि इस्लाम इस मुल्क में बादशाहों की वजह से नहीं आया। इस्लाम इस मुल्क में आया तो सूफियों की और तिजारत करने वालों की वजह से आया। और हमने उनको मोहन भगवत से हमने पूछा कि इस्लाम अगर आया तो वेस्ट कोस्ट में आया, और किसने कहा मालूम आपको इस्लाम बादशाहों से इस्लाम भारत में आया? किसने कहा मालूम आपको? मालूम मोदी जी ने कहा। हाँ, अब आप जाकर देखिए, मोदी जी ने अप्रैल 3, 2016 7:13 को ट्वीट किया और कहा कि केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में चेरावन जुम्मा मस्जिद को अरब के तिजारत करने वालों ने, बादशाहों ने नहीं, तिजारत करने वालों ने 629 ईस्वी में मस्जिद को बनाया। कहा कि भारत की पहली मस्जिद। मोदी जी आप झूठ बोल रहे हैं या मोहन भगवत झूठ बोल रहे हैं? आप दोनों बैठकर तस्वीर कर लो। हमारा मानना यह है कि इस्लाम भारत में तलवार के जोर पर नहीं आया, मोहब्बत की बुनियाद बनकर आया। जो बादशाहों को जुल्म किए मगर वो इस्लाम से उनका क्या रिश्ता बादशाह थे। ख्वाजा गरीब नवाज आए, दीन लाए, दावत दी, मगर इन लोगों को मुसलमान देखते कि नहीं तुम भारत के नहीं हो,
अब इनका जवाब और एक हमारे पास है। मैंने उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि सारे कायनात के अब्बा कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हमारे सबके डैडी है, पिताजी है। वो जब जन्नत से निकले तो किस मुल्क पे कदम रखा उन्होंने? किस मुल्क पे रखा? भारत में रखा। तो ये बाप की सरजमीन हुई नहीं हुई? हुई ना। तो डरना किस बात का प्यारे? डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम करिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई अकीब जेल में है, मगर अपना हक और पैगाम भिजाया, अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी और आप लोगों को ये पैगाम भी दिया कि हमको आपको मिलकर इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करना है। मैं सुल्तानपुर आया हूँ और इंशाअल्लाह चाह अल्लाह ने चाहा तो बार बार आता रहूं, बार बार आता रहूंगा। आपका सुल्तानपुर का हर घर मेरा घर, सुल्तानपुर का हर बुजुर्ग मेरे बुजुर्ग है, सुल्तानपुर की मेरी माँ और बहनें, मैं आपका बेटा हूँ। आप मेरे लिए दुआ करिए, हमारी सरपरस्ती करिए। हम गलती करते हैं तो उंगली पकड़कर सीधा रास्ता दिखाइए, मगर हमारा हाथ मत छोड़िए। आपकी लड़ाई हम कर रहे हैं, मंजिल को कामयाब करिए। आप तमाम का शुक्रिया। अस्सलाम।